नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अमित सिंह आपका पुनः स्वागत करता हूँ उड़ान द फ्लाई के इस यूट्यूब चैनल में। और पिछले लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे सिंधु सभ्यता की कला स्थापत्य के बारे में, जिसमें हम लोगों ने बात की कि सिंधु सभ्यता में विभिन्न प्रकार की कलाएं प्राप्त होती है, मतलब उनके विभिन्न प्रकार प्राप्त होते हैं, वो वास्तुकला के रूप में हो, चाहे वो मूर्तिकला के रूप में हो, चित्रकला, मृदुभाण्ड कला और उत्कीर्णन कला, रिलीफ स्थापत्य के तौर पर भी दिखाई पड़ती है, जिसको कि उकेर करके बनाया जाता था। तो आज हम लोग बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से उदाहरण या नमूने प्राप्त होते हैं जो कि इन कलाओं के संदर्भ में हमें पुरातात्विक सामग्री प्राप्त कराते हैं और जानकारी भी प्राप्त कराते हैं, जिसका प्रयोग हम ऐतिहासिक दृष्टि से करते हैं। तो ये सारी कलाएँ हैं जो कि सिंधु सभ्यता के संदर्भ में हमें अभी पढ़नी है। तो जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था कि वास्तुकला एक बहुत प्रमुख नमूना है जिसके माध्यम से सिंधु सभ्यता की जानकारी हमें प्राप्त होती है, उसके रहन सहन और की जानकारी होती है, कैसे भवन बनाए जा रहे थे, किस प्रकार का सेटलमेंट था, इसकी जानकारी हमें होती है। नगर नियोजन के संदर्भ में जब हम बात कर रहे थे तो एक झलक हमने इसकी प्राप्त की थी। अब अगर हम देखें कि ऐसे कौन कौन से उदाहरण हैं, तो उदाहरणों के संदर्भ में हम बात करें तो जैसा कि मैंने बताया था कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो दो प्रमुख नगर थे और इन नगर की खोज के साथ ही सिंधु सभ्यता के संदर्भ में विश्व को जानकारी होती है और इन नगरों की खोज ने विश्व को एक सभ्यता के तौर पर, सिंधु सभ्यता को एक सभ्यता के तौर पर स्थापित करने का कार्य किया। और इन नगरों को अगर हम देखें तो मोहनजोदाड़ो और जो हड़प्पा है, ये दोनों ही एक बड़े विस्तृत नगर हैं। स्टुअर्ट पिगेट इन दोनों ही नगरों को सिंधु सभ्यता के एक मतलब जुड़वा राजधानियां के तौर पर देखते रहे हैं और इन दोनों ही नगरों से हमें बहुत सारे भवन या वास्तुकला के साक्ष्य या भग्नावशेष मिलते हैं। जैसे कि हड़प्पा से सभागार हमें मिलता है, अन्नागार हमें वहां से मिलता है, साथ ही साथ अगर हम मोहनजोदाड़ो के बारे में बात करें तो यहाँ से भी सभागार, अन्नागार और एक बहुत बड़ा ग्रेट बात स्नानागार मिलता है हमें। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसा कि पिछले लेक्चर में भी हमने बात की कि लोथल से गोदीवाड़ा मिलता है, धौलावीरा से आपका वाटर टैंक मिलता है, बड़ी बड़ी नालियाँ मिलती हैं। इसके अलावा आप देखें तो बहुत सारे जगह से हमें छोटे छोटे किले, कोट भी प्राप्त होते हैं और जिनमें पक्की और कच्ची दोनों मिट्टी का, ईंटों का प्रयोग किया गया है। साथ ही साथ पक्की नालियाँ हमें मिलती हैं, कहीं कहीं लकड़ी की नालियाँ लगी हुई मिलती है, जैसे कालीबंगा से हमें लकड़ी की नाली के साक्ष्य मिलते हैं। हमें अग्निवेदी भी मिलती है भवनों के साथ में। तो ये जो वास्तुकला थी बहुत उच्च कोटि की यहाँ पर दिखाई पड़ती है। अब उसके अवशेष तो हमें मिलते हैं सिंधु सभ्यता के विभिन्न नगरों से और वो अवशेष हमें दिखाई भी पड़ते हैं, हम उसको सजीव तौर पर महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं और उसके आधार पर सिंधु सभ्यता की वास्तुकला को भलीभांति समझ सकते हैं। और अगर हम उसको समझने की कोशिश करें एक समान अर्थों में, तो सिंधु सभ्यता के ज़्यादातर जगह पर अगर आप भवनों की स्थिति देखें तो ऐसे भवन बनाए जा रहे थे, बीच में आंगन था और चारों तरफ कमरे हुआ करते थे, बहुमंजिलई इमारतें भी हुआ करती थी, भवन एक सीधी रेखा में बने हुए दिखाई पड़ते थे और विशाल भवन बनाए जा रहे थे। तो इस तरीके की स्थिति हमें सिंधु सभ्यता के नगरों के संदर्भ में और उनके भवनों के संदर्भ में दिखाई पड़ती है। भवन के अंदर ही शौचालय की व्यवस्था भी हुआ करती थी, भवन के अंदर ही चूल्हे भी हुआ करते थे, भवन के अंदर ही कुएं किसी किसी भवन में दिखाई पड़ते हैं, साफ़ सफाई की बढ़िया व्यवस्था दिखाई पड़ती है, फर्शों को पीट करके दबा करके तैयार किया जाता था, पत्थर या मिट्टी से अच्छी तरीके से लीप दिया जाता था। इसके अलावा जो है घरों में नालियाँ निकलती थी जो कि बड़ी नालियों में मिलती थी और वो प्रॉपर बड़ी नालियाँ आगे चल करके एक ड्रेनेज सिस्टम के माध्यम से बाहर निकल जाती थी। तो ऐसी एक विस्तृत व्यवस्था सिंधु के नगरों में और उसकी वास्तुकला के तौर पर दिखाई पड़ती है। इसके अलावा जो है यहाँ के और अगर हम कला की बात करें तो प्रस्तर, बेसिकली मूर्ति कला एक बहुत महत्वपूर्ण कला यहाँ पे दिखाई पड़ती है। और जैसा कि पिछले लेक्चर में भी हमने बताया था कि मूर्ति कला यहाँ पर तीन तरीके की मूर्तियाँ मिल रही थी, एक तो पाषाण मूर्तियाँ मिल रही थी
और धातु की बनी हुई मूर्तियां मिल रही थी, मृण मूर्तियां, मिट्टी की बनी हुई मूर्तियां मिल रही थी। मिट्टी की बनी हुई मूर्तियों में टेराकोटा आर्ट, टेराकोटा भी बहुत सारे मिल रहे थे। टेराकोटा मतलब अच्छी तरीके से गूंथी गई कांचली मिट्टी को जब अच्छी तरीके से गूंथ लिया जाता है, और गूंथने के बाद जो ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, जो खिलौने या जो वस्तु बनाई जाती है, उसको अच्छी तरीके से पहले गर्म कर लिया जाता है, पॉलिश कर लिया जाता है, फिर पकाया जाता है। तो इससे एक शाइनिंग आ जाती है, चमकदार पन आ जाता है उसमें, उस मूर्ति में, और उसको हम टेराकोटा आर्ट के तौर पर देखते हैं। तो ऐसी टेराकोटा आर्ट हमें सिंधु में बहुत ज़्यादा दिखती है, बहुत सारे पशु पक्षियों का टेराकोटा फॉर्म में बनाया गया है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देख लें, घर पे अगर आप आटा को गूंथते हैं और मैदे को गूंथते हैं, तो आटा आप देखेंगे थोड़ा सा रुक्ष रहेगा, और मैदा आप देखेंगे तो वो एकदम चिकना और स्पंची होगा। तो बेसिकली टेराकोटा का जो गूंथ करके जिस तरीके से तैयार किया जाता है, वो हम उदाहरण के तौर पर मैदा उसको समझ सकते हैं, और जो मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के जो मूर्तियां बन रही थी, वो एक तरीके से गेहूं के आटे के तौर पे देख सकते हैं, जो कि थोड़ा सा रुक्ष दिखाई पड़ता है। तो ऐसी हमें विभिन्न प्रकार की मूर्तियां वहां से दिखाई पड़ रही है। उदाहरण के तौर पर मोहन जोदाड़ो से और हड़प्पा से दो पाषाण मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा प्रस्तर की मूर्तियों में मोहन जोदाड़ो से एक योगी की मूर्ति प्राप्त होती है, इसे पुरोहित की मूर्ति के तौर पर भी देखा गया है, और ये एक बहुत प्रसिद्ध मूर्ति है। और योगी की इसमें मूछें नहीं है, सिर्फ दाढ़ी है, और ये एक बहुत विशेष प्रकार की, और एक केस भी उसके बने हुए हैं, केस में फीता ऐसे बंधा हुआ दिखाई पड़ता है, और मस्तिष्क में गोल अलंकरण है, और योगी के जो नेत्र हैं वो अधखुले से दिखाई पड़ते हैं, और दृष्टि जो नाक का अग्रभाग है उस पे टिकी हुई है। तो ये व्यवस्था उस मूर्ति की है। इसके अलावा मोहन जोदाड़ो से एक श्वेत पाषाण की भी मूर्ति मिली है, पुरुष मस्तिष्क की, जिसका लगभग 7 इंच ऊंचा है ये, और इसमें भी दाढ़ी और मूछें साफ है, और पीछे की ओर जुड़ा हुआ बंधा हुआ हाथ है, और छठे कटे बाल भी इसमें दिखाई पड़ते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी मूर्तियां हमें सिंधु से मिलती हैं, जिसमें पशु आकृतियां वाली मूर्तियां भी बहुत मिली हैं, और एक मूर्ति है जिसमें भेड़ है और सूरदार हाथी की मूर्तियां है, जिसका शायद धार्मिक महत्व रहा होगा सिंधु के उस परिक्षेत्र में। इसके अलावा बहुत सारी सैंदव मोहरे भी मिली हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के अंकन दिखाई पड़ते हैं, और उन अंकनों में जो है बहुत महत्वपूर्ण पक्ष भी हमें दिखाई पड़ता है। जैसे कि एक मोहर मिली हुई है जिस पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है योगी की मुद्रा में, और उसके चारों तरफ उसको जानवरों ने घेर रखा है। तो ऐसी एक जो मोहर है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण मोहर के तौर पर यहाँ से प्राप्त होती है। इसके अलावा जो है एक ऐसी मोहर भी मिलती है जिसमें कि एक श्रृंगी पशु दिखाई पड़ता है, मोहन जोदाड़ो से बेसिकली मिली हुई है, और एक श्रृंगी पशु का अंकन उसमें दिखता है, और सिंधु के ये वाहक के तौर पर दिखाई पड़ता है, और एक बहुत फेमस मोहर यहाँ पर दिखाई पड़ती है। तो ये साथ साथ इसमें विभिन्न प्रकार का अंकन भी अन्य मोहरों में भी हमें दिखाई पड़ता है। इसके अलावा एक मूर्ति मोहनजोदाड़ो से भी डांसिंग वूमेन की मिली है, नर्तकी की मूर्ति भी मिली है, और ये कांसे की मूर्ति है, और इसको बाद में जो है विद्वानों ने, कुछ विद्वान ऐसे थे जिन्होंने बाद में इसको देवी के तौर पर देखा गया, और मातृ देवी की बहुत सारी मूर्तियाँ मिली। यही वजह है कि सिंधु सभ्यता को मातृ सत्तात्मक सत्ता के तौर पर स्थापित कर दिया गया, क्योंकि जो पुरातात्विक साक्ष्य थे वो इस बात की गवाही दे रहे थे कि सिंधु सभ्यता से बहुत सारी मातृ देवी की मूर्तियाँ मिलती हैं, और ये एक ऐसा समाज था जो कि मातृ सत्तात्मक समाज था, मातृ पक्ष को पूजने वाला समाज था, और उसका एक कारण इनका ट्राइबल स्टेज में होना भी था, क्योंकि ज़्यादातर ट्राइबल स्टेज की जो समाज होते हैं वो मातृ सत्ता को, मातृ पक्ष को एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करते हैं, और समाज में उनका जो पक्ष है या समाज में जो उनका स्तर है वो उच्च कोटि से
उच्च कोटि का दिखाई पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमें यहाँ से मिलते हैं। इसके अलावा सैंधव जो कला है उसमें बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती हैं, जैसे मृणमूर्तियाँ बहुत सारी मिली हैं हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो से। बहुत सारे पशुओं की मूर्तियाँ हमें दिखाई पड़ते हैं, साथ ही साथ आभूषण विभिन्न प्रकार के दिखाई पड़ते हैं, बर्तन बहुत सारे दिखाई पड़ते हैं। बर्तन में विभिन्न प्रकार के बर्तन, घड़े, कटोरी, बड़े बड़े स्टोरेज वाले बर्तन भी प्राप्त होते हैं, और इन बर्तनों पर विभिन्न प्रकार के पशुओं का, पत्तियों का अंकन दिखाई पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सिंधु सभ्यता की कला को एक बहुत महत्वपूर्ण कला के तौर पर स्थापित करने का कार्य कर रही हैं। साथ ही साथ जैसा कि पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया कि सौंदर्य प्रसाधन की भी बहुत सारी वस्तुएं हमें दिखाई पड़ रही हैं, और ये जो सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं हैं ये सिंधु सभ्यता की कला की एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष भी है, क्योंकि विभिन्न प्राचीन विश्व की सभ्यताओं में ऐसी सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं हमें अन्य स्थानों पर प्राप्त नहीं होती जितना कि सिंधु सभ्यता के परिक्षेत्र में प्राप्त हो रही हैं, जो इस बात का सबूत देती हैं कि यहाँ के लोग अपने सौंदर्य प्रसाधन को लेकर के, अपने आप को सजने संवारने को लेकर के विशेष रुचि रखते थे, जो कि उनकी सामाजिक रुचि के प्रदर्शन में बहुत महत्वपूर्ण पक्ष को दिखा रहे हैं। इसके अलावा आप देखें तो जैसा कि मैंने बोला था कि मनके और गुड़िया भी बहुत सारे मालाएं, बहुत सारे आभूषण। अभी हाल ही में हम लोगों ने बात की थी, एक इंटरव्यू हुआ था थारू जनजाति की एक किताब के संदर्भ पे। उस किताब में अगर आप देखें तो थारू जनजाति के ऐसे बहुत सारे आभूषण हैं जो कि सैंधव सभ्यता के आभूषणों से मिलते जुलते दिखाई पड़ते हैं। सैंधव सभ्यता के आभूषणों में पीपल के जो पत्ती है उसका प्रयोग बहुत ज़्यादा किया गया है, और उस जैसा लॉकेट और उस जैसा हार बनाने का प्रयास किया गया है। और अगर आप थारू जनजाति के किताब का अध्ययन करें और देखें तो उसमें उनके आभूषण भी कुछ ऐसे ही दिखाई पड़ते हैं, और जो कहीं ना कहीं इस बात का सबूत देते हैं कि आज भी सैंधव सभ्यता के जो लक्षण हैं हमें भारत की विभिन्न संस्कृति, सभ्यता एवं जनजातियों में दिखाई पड़ जाता है। और यही वजह है कि सैंधव सभ्यता का जो अस्तित्व है वो उस दौर से लेकर के इस दौर तक दिखाई पड़ रहा है, जो कि हमारी परंपराओं में, हमारी मान्यताओं में, हमारे रीति रिवाज में, हमारे पहनावे में, हमारे खान पान में कहीं ना कहीं दिखाई पड़ जाता है। और क्षेत्रीय विभिन्नताएं तो हर जगह होती है। आप जैसे जैसे क्षेत्र बदलेगा, जैसे जैसे भौगोलिक परिस्थिति बदलेगी, वैसे वैसे आपके रहन सहन, खान पान और आपके पहनावे में अंतर जरूर आएगा, लेकिन आप सैंधव सभ्यता के विभिन्न लक्षणों को आज भी भारतीय समाज में, भारतीय विभिन्न जनजातियों में देख सकते हैं। और यही वजह है कि वर्तमान जो दौर है वो इतने आर्कोलॉजी का दौर है, निर्जाति पुरातत्व का दौर है, और ये निर्जाति पुरातत्व कार्य क्या कर रहा है, ये कार्य कर रहा है विभिन्न वर्तमान में उपस्थित जनजातियों का, उनकी संस्कृतियों का अध्ययन विस्तृत रूप से कर रहा है, और उस अध्ययन का तुलनात्मक रूप से प्रयोग कर रहा है इतिहास में शामिल विभिन्न संस्कृति एवं सभ्यताओं को समझने के लिए। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि हम एक ऐसा कार्य कर रहे हैं जहाँ पर हम वर्तमान में जीवित संस्कृतियों से मृत संस्कृतियों को जोड़ने और उनके विभिन्न पहलुओं को समझने में एक ब्रिज का, एक पुल का निर्माण कर रहे हैं। अर्थात जो जीवित संस्कृतियां हैं उनके माध्यम से मृत संस्कृतियों का एक आधारभूत लक्षण, एक आधारभूत जो जीवन शैली है उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो वापस है टॉपिक पे, तो हम लोग बात कर रहे थे कला के संदर्भ में। तो जैसा कि कला के बारे में बात हुई कि वास्तुकला, चित्रकला, मूर्तिकला, गौड़ कलाएँ, मोहरे, मिट्टी के बर्तन, ऐसी बहुत सारी वस्तुएं हैं जो कि सिंधु सभ्यता के कला को एक विशिष्ट कला के तौर पर प्रदर्शित करते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि वास्तुकला विभिन्न नगरों से मिलती है, और विभिन्न प्रकार के मिट्टी के बर्तन हमें आमरी, कोटडीजी, कुल्ली, क्वेटा, साथ ही साथ आपके हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा, धौलावीरा, राखीगढ़ी। वर्तमान में राखीगढ़ी का अगर आप उदाहरण देखें तो राखीगढ़ी भी एक बहुत ऐसी फेमस साइट है जिसके माध्यम से सिंधु सभ्यता के विभिन्न पहलुओं पर हमें
जानकारी प्राप्त हो रही है, बहुत सारे साक्ष्य वहाँ से प्राप्त हुए जिसके माध्यम से सिंधु सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में अब इसको शामिल करना एक बहुत महत्वपूर्ण हो, मतलब शामिल किया जाने लगा है। वैसे भी ये सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं सुव्यवस्थित सभ्यताओं में थी, लेकिन राखीगढ़ी के उत्खनन ने इसको और ज़्यादा प्राचीन बना दिया, और ज़्यादा प्रासंगिक बना दिया है और ज़्यादा प्रामाणिक बना दिया है। इसके अलावा आप देखें तो ऐसे बहुत सारे सिंधु के पुरास्थल हैं जहाँ पर उसकी कला के विभिन्न नमूने हमें दिख जाएंगे, जैसे चुहंदड़ों से लिपस्टिक के साक्ष्य हमें दिख जाएगा, कालीबंगा रंगपुर से जो है भूसी पर विभिन्न प्रकार के साक्ष्य मिल जाएंगे, कपड़े बनाने के साक्ष्य गुजरात के विभिन्न प्रभास पाटन ने पुरास्थल है वहाँ से मिल जाएंगे, और रंगकारी के साक्ष्य मिल जाएंगे, वस्त्र निर्माण के साक्ष्य मिल जाएंगे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें सिंधु सभ्यता से संबंधित है जो कि इनकी कला को एक महत्वपूर्ण कला के रूप में दर्शाती है। तो इसके संदर्भ में आप लोग अपनी बुक्स में देख लेंगे कौन कौन सी ऐसी चीज़ है नोट्स के जब आप प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि हर एक चीज़ पर इसको आपको देखना है कि क्योंकि आगामी आपके जो भविष्य के जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें भी इस बात को लेकर के छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ जाते हैं कि ये कहाँ से मिला, ये कहाँ से मिला। तो इस चीज़ के लिए आपको अभी से तैयारी कर लेनी चाहिए और अपने नोट्स को आप प्रिपेयर कर लें जहाँ पर इसके संदर्भ में आप चर्चा कर लेंगे। तो सिंधु सभ्यता की कला के संदर्भ में बस इतना ही। अगले टॉपिक में हम लोग बात करेंगे सिंधु सभ्यता की तिथि के संदर्भ में, सिंधु सभ्यता जैसी विशाल सभ्यता का पतन कैसे हुआ उसके संदर्भ में बात करते ही इस टॉपिक को हम समाप्त करके आगे वैदिक संस्कृति की तरफ बढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही और बहुत जल्दी हम लोग फिर मुलाकात करेंगे और एक नए टॉपिक के साथ जहाँ पर तिथि और पतन के संदर्भ में बात करेंगे। तो फिर से मैं एक बात दोहराना चाहूँगा कि उड़ान द फ्लाई के इस यूट्यूब चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें और आपका जो भी डाउट्स हो उसको आप मुझको व्हाट्सएप के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। मेरा नंबर आप लोगों के पास में है और जिनके पास में नहीं है वो दूसरों से ले करके ले ले, और आपके जो भी डाउट्स हैं मैं प्रयास करूँगा कि उन्हें व्हाट्सएप के माध्यम से भी दूर करने की कोशिश करूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले लेक्चर में हम लोग इसके आगे की कहानी पर बात करेंगे। धन्यवाद।